नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PSDJ ब्लॉग नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए इस वीडियो में कैसा डीजे सेटअप लेके आए हैं जो बहुत ही कम प्राइस में आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको केवल 90,000 में इतना मटेरियल हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आप चौंक जाइएगा कि इतना मटेरियल सिर्फ 90,000 में। ये डीजे सेटअप जहाँ भी चलाइएगा बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का लाइव प्रोग्राम के लिए भी ये डीजे सेटअप है चलेगा। इस डीजे सेटअप में हम एक जनरेटर लिए हैं, 2 टॉप बॉक्स लिए हैं, 2 एम्पलीफायर लिए हैं, 1 मिक्सर लिए हैं और यूनिट ड्राइवर लिए हैं जो 50 वाट आहूजा का है और 1 मिक्सर लिए हैं। इसमें टोटल फुल डीजे सेटअप है जो मिनी डीजे सेटअप है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मिनी डीजे सेटअप के बारे में। सिंपली गाइस, ये रहा हमारा मिनी डीजे सेटअप। यहाँ पे टोटल फिगर हम आपको आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बारी बारी से बात करेंगे कि कौन से एम्पलीफायर पर कौन सा चीज़ चलाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हमारा हो गया स्ट्रेंजर PVT 501 जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एक एम्पलीफायर हो गया मेधा 120 वाटेज का जो हरन के लिए हम इसको यूज करेंगे, आगे हम बताएंगे। यहाँ पे हो गया 1 मिक्सर, 1 स्टेबलाइजर, 1 KVA का हो गया। यहाँ पे 1 जनरेटर हो गया जो मिनी डीजे सेटअप के लिए ही जनरेटर हो गया जो 2.6 KVA का है, यानी 2.5 KVA का है, ये इजीली इसे चला सकता है। यहाँ पे दोस्तों आहूजा का 2 12 इंची का बॉक्स टॉप हो गया। यहाँ पे LMT हो गया ड्राइवर यूनिट का हरन और यहाँ पे यूनिट हो गया। यहाँ पे कुछ वायर कनेक्शन के लिए भी यहाँ पे कुछ हम यूज किए हैं जो इस डीजे सेटअप में वायर कनेक्शन लगेगा आपको। तो फाइनली दोस्तों, हम चलेंगे पहले स्ट्रेंजर पे कि स्ट्रेंजर पे कौन सा कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो फाइनली दोस्तों, ये मेरा हो गया स्ट्रेंजर PVT 501 जो ये 700-800 लोड ले लेता है, इजीली हैंडल कर लेता है, चला लेता है। तो फाइनली दोस्तों, ये 4 ओम और 2 ओम पे ये एम्पलीफायर 800 लोडेज ले सकता है। और आहूजा का जो बॉक्स टॉप है ये 8 ओम इम्पीडेंस का है, तो हम इसको डबल कनेक्ट करेंगे एक साथ तो ये 4 ओम हो जाएगा। तो 4 ओम स्ट्रेंजर PVT 501 पे कनेक्ट इजीली हो जाएगा, यानी 400 वाटेज का ये बॉक्स टॉप है आहूजा का जो ये 4 ओम पे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ इजीली इस पे 800 वाटेज का ये लोड ले लेगा। तो फाइनली दोस्तों, अब हम यहाँ पे चलेंगे जो मेधा 120 वाटेज का जो एम्पलीफायर है ये, इसमें 4 ओम, 8 ओम और 16 ओम तक का इसमें कनेक्टेड दिया हुआ है। तो आप यहां से LMT ड्राइवर यूनिट का जो हम आहूजा का 50 वाट का इसमें यूज किए हैं तो 350 वाट का इसमें यूनिट चला सकते हैं आप, इजली ये चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो 50 वाट यूनिट आप इसमें 3 कनेक्ट कर सकते हैं। जो मेधा DJ प्लस एम्पलीफायर है इस पर आप 3 ड्राइवर यूनिट को इजली रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आहूजा का 50 वाट का रहेगा। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे हम मिक्सर ले लिए हैं स्ट्रेंजर का UM6 जो इसमें इको भी है और इसमें यहाँ पे आप चिप के द्वारा भी इस मिक्सर को ऑपरेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है। आप इसमें छोटा मोटा प्रोग्राम भी लाइव प्रोग्राम करा सकते हैं जिसमें 6 चैनल का ये मिक्सर है, यानी 6 माइक आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और आप इसे हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया दोस्तों 1 स्टेबलाइजर जो इस सेटअप को चलाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है स्टेबलाइजर। तो हम यहाँ पे स्टेबलाइजर का यूज किए हैं जो 1 KVA का है, स्टूडियो मास्टर SVCS 1000 मॉडल का ये है। आपको इजीली मार्केट में ये स्टेबलाइजर मिल जाएगा, तो इसके प्राइस के बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे हो गया जो हुंडा का एक मिनी जनरेटर है इस सेटअप को चलाने के लिए, ये जनरेटर 2.5 KVA का, 2.6 KVA का है। फाइनली दोस्तों, ये हुंडा का जनरेटर सेटअप हो गया। तो फाइनली दोस्तों, अब हम इसमें बात करेंगे कि कितना प्राइस का मिलता है। स्ट्रेंजर अपने मार्केट के अनुसार से अप्रोक्स प्राइस हम बता रहे हैं इसको, आप 12 से 13 हज़ार के अंदर में आप इसे बाय कर लीजिएगा और ये बिल्कुल आपको मिल जाएगा। आपके मार्केट के अनुसार से इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पे जो हम बात करें मेधा का प्राइस, जो मेधा DJ प्लस एम्पलीफायर है, तो इसका प्राइस लगभग आपको मार्केट के अनुसार से अप्रोक्स प्राइस 5,000 के अंदर में आपको ये देखने को मिल जाएगा, आप इसे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, हम बात करें स्ट्रेंजर UM6 जो हमारा मिक्सर हो गया, इसमें मार्केट के अनुसार से ऊपर नीचे अप्रोक्स प्राइस इसका भी बता रहे हैं हम, 4,000 के अंदर में आप इसको बाई कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों, हम बात करेंगे स्टेबलाइजर, स्टूडियो मास्टर का स्टेबलाइजर है, तो इस स्टेबलाइजर को आप लोग बाई कर लीजिएगा। इसका प्राइस दोस्तों हम बता रहे हैं यहाँ पे स्टूडियो मास्टर SVCS 1000 KVA का जो स्टेबलाइजर है, इसका प्राइस आपके मार्केट के अनुसार सब अप्रोक्स प्राइस 5,000
और 4,500 के अंदर में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेंगे होंडा जो सेटअप को चलाने के लिए जो जनरेटर सेटअप है, तो इसका प्राइस आपके मार्केट के अनुसार से 30,000 से 31,000 के बीच में पड़ जाएगा, जो कि डीजल पे चलेगा और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का ये जनरेटर है जो कि 2.6 kVA का है। इस सेटअप को इजीली ये चला लेगा। यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कि जो ये मेरा बॉक्स टॉप है इसका प्राइस क्या है। तो फाइनली दोस्तों जो ये पूजा का SRX 440 जो ये 400 वाटेज का है, इसका इम्पीडेंस 8 ओम है, तो ये आपके मार्केट के अनुसार से ऊपर नीचे प्राइस अप्रोक्स होता रहेगा। तो हम अप्रोक्स प्राइस बता रहे हैं आपको, ये 14,000 से 15,000 के बीच में आपको एक बॉक्स टॉप मिल जाएगा। तो यानी दो आप लीजिएगा तो 15×30 या 28,000 में आपको एक पेयर कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पे LMT ड्राइवर यूनिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ड्राइवर यूनिट जो अहुजा UX50XT जो मॉडल नंबर है, इसके प्राइस आपके मार्केट के अनुसार से 1500 से 1600 अप्रोक्स प्राइस आपके मार्केट के अनुसार से ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेंगे, यहाँ पे जो चुंगी होता है इसको आप मार्केट के अनुसार से 600 या 700 के अंदर में आप इसे बाई कर सकते हैं। तो यानी इसका फुल सेटअप आप लोग मान के चलिएगा तो यहाँ ये लगभग आपको 7,000 में कंप्लीट ये हॉर्न सेटअप हो जाएगा। इस डीजे सेटअप को चलाने के लिए हमको कुछ वायर का कनेक्शन इसमें लेना पड़ेगा। आप इसे 1500 के अंदर में इसका वायर कनेक्शन के लिए ले सकते हैं, 1500 के अंदर में आप इसका मिल जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम इसका बात कर लेंगे जो डीजे सेटअप आपकी इसके 90,000 के अंदर में, 90,000 अप्रोक्स प्राइस के अंदर में इतना मटेरियल आप लोग इसे मिनी डीजे सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लाइव प्रोग्राम या डीजे सेटअप के लिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आपको ये साउंड निकाल कर देगा और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का बजेगा। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इस डीजे सेटअप के लेके अगर आपके मन में कुछ सवाल हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम आपका सवाल का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।